अपना क्वेश्चन है कि 9 इक्वल टू तो लिख रखा 90, 8 इक्वल टू लिख रखा 72, राइट, 7 इक्वल टू लिख रखा 56, 6 इक्वल टू था 42, और 3 इक्वल टू अपने को पूछा हुआ है, राइट। अब देखो जब 9 इक्वल टू 90 रखा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10, राइट, 8 बराबर 72 लिखा, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9, 7 को लिखा हुआ है इसने 56, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8, 6 को लिखा हुआ 42, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7। मतलब जैसे कि n बराबर 90 है, तो हमने मल्टी किया, ये इसको किस तरह से लिखा हुआ है, n जैसे कि, तो 9 इक्वल टू 90, तो कितना लिखा हुआ n इंटू उससे एक बड़ी टर्म, इधर 8 है तो 8 इंटू उससे एक बड़ी नंबर, इधर लिखा हुआ 7 तो 7 इंटू उससे एक बड़ा नंबर, तो ऐसे ही 6 तो 6 इंटू उससे एक बड़ा नंबर कितना 7, तो ऐसे ही 3 के इक्वल क्या वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू होगी जो 3 इंटू 3 से एक बड़ा नंबर कितना, एक बड़ा नंबर कितना 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12, तो अपने पास ये 3 इक्वल जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 12, तो अपना आंसर हो जाएगा 12।